चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाउस पर हमले का आज कुछ नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर में समाप्त होगी। अटॉर्नी जनरल सबिर फरीकन को नोटिस जारी कर दिए गए। सिंध हाउस पर हमले की FIR में खानापुरी की गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादर मदोखिल कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। PTI के 2 MNS ने कारकुनान की हमरा सिंध हाउस पर हमला किया। ये हमला सिंध हाउस पर नहीं सिंध पर किया गया। हमारी FIR दर्ज नहीं की गई तो अदालत से रजू करेंगे। कादर मदोखिल ने FIR की कापी फाड़ डाली। हुकूमत की जहांगीर तरीन ग्रुप को मनाने की कोशिशें तेज। फौरी तौर पर कोई फैसला न करने का पैगाम भेज दिया। फवाद चौधरी परवेज खटक ने तरीन ग्रुप के रहनुमा चौधरी से राबता करके पैगाम पहुंचाया। वजीर दफा परवेज खटक ने कहा कि एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हो रही है, आपको जल्द आगाह करेंगे। उन चौधरी हुकूमती राबते से मतलब आज जहांगीर तरीन को आगाह करेंगे। मुल्तान में मनहरफ MNA अहमद हसैन डेढ़ के खिलाफ PTI कारकुनों का एहतजाज। कारकुनों की अहमद हसैन डेढ़ के पोस्टर पर बल्ले मारते हुए नारेबाजी। अहमद हसैन डेढ़ के हामियों की मौजूदगी पर PTI कारकुन घर से दूर। मुजाहरीन का मनहरफ अराकीन को नाहल करार देने का मतालबा। शहबाज शरीफ की सिंध हाउस और अराकीन असम्बली के घरों पर हमले की मजम्मत। कहते हैं कि PTI के अपने ही अराकीन असम्बली पर हमले अदम एतमाद की कामयाबी की दलील है। हमले इमरान नियाज़ी की मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की साजिश है। बिजली सार्फीन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली 5 रुपए सस्ती करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने वजीर आजम के मराती पैकेज पर अपना फैसला जारी किया। नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी करेगी। सार्फीन को मार्च से जून तक रिलीफ मिलेगा। पल पल बदलती सियासी सूरत हाल। शहबाज शरीफ की रहाइश पर अपोजिशन इतिहाद की बैठक आज फिर होगी। नून लीग पीपल्स पार्टी JUI समेत दीगर जमातें शरीक होंगी। तहरीक दम एतमाद इतिहादियों से रबते मनहरफ अरकान से मतलब गौर होगा। सिंध हाउस पर हमले से मतलब भी बात होगी।